अपन ने देखा कि 1857 के विद्रोह में कौन क्या विद्रोह का क्या रहा, किसने विद्रोह के बारे में क्या कहा, कौन कौन से कहाँ पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सप्रेस किया। आगे देखते हैं अदर मास मूवमेंट, ठीक है, जो उसी के सापेक्ष उसी के टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ हुए और कौन कौन से हुए। तो अदर मास मूवमेंट के नाम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नील विद्रोह, जो 1859 और 60 के बीच हुआ। स्टार्टेड बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। इसमें लीडर कौन था, दिगंबर विश्वनाथ प्लस विष्णु विश्वास, ठीक है। सेपरेटेड एरिया नदी, ठीक है, नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और निजामपुर, ठीक है। सपोर्टेड कौन क्यों था, हिंदू, जो जितने भी हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, उनकी विशेष भूमिका रही इसको सपोर्ट करने में, ठीक है। नील दर्पण नाटक दीनबंधु मित्र, ठीक है, नील बंगानो मालिकों के अत्याचार का खुलासा किया, ठीक है। इस पर बाद में इस पर बैन भी लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, नील दर्पण। बाद सन्यासी विद्रोह करते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह क्या था, बेसिकली हम आपको बता देते हैं। तो सन्यासी विद्रोह क्या था कि लोग जाते थे, जब ये जनवरी में खिचड़ी जब होती है तब इंडिया के कोने कोने से लोग जाते थे दर्शन करने, ठीक है। तो जब दर्शन करने जाते थे तो लोग भिक्षा मांगते थे, ठीक है, रुकने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को लगा, पहले तो ये सब चलता रहा, लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि ये लोग ज़बरदस्ती मांगते हैं, तो अंग्रेज़ों ने इस पर बैन लगा दिया कि कोई भिक्षा नहीं देगा, और उल्टे ही उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया। तो इसलिए उन लोगों ने फिर विद्रोह किया, ठीक है। और फिर बात करते हैं भावी आंदोलन की। तो अचीवमेंट थी, अंग्रेजी संप्रदाय को सबसे सुयोजित तथा गंभीर चुनौती मिली भावी के द्वारा। और प्रमोटर कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। एरिया कौन कौन सा था, तो काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, ETC। 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया और अपने नाम के सिक्के डलवाए। बालाकोट की लड़ाई में होती है बरेलवी की मृत्यु, ठीक है। बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन जाता है। लीडर आफ्टर बरेली जयत मौलवी काशिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत बम्बई में आंदोलन फैला। देखते हैं कुका आंदोलन। कुका आंदोलन भावी आंदोलन से मिलता जुलता ही था, धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए दोनों। स्टार्टेड कुका और दोनों ये धार्मिक आंदोलन के रूप में, कुका और भावी दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए। स्टार्ट हुआ था 1840 के दशक में। लीडर कौन थे, भगत जवाहरमल, ठीक है, जो सियान साहब भी बोलते थे, प्लस राम सिंह कुका। 1872 में राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, यही इनकी डेथ होती है 1825 में रंगून में ही। ऑब्जेक्टिव, सिख धर्म में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर कर धर्म को शुद्ध करना। फिर बात करते हैं पागलपंथी मूवमेंट की। तो पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय द्वारा चलाया रहा था और स्टार्टेड बाई करम शाह, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, जमींदारों द्वारा, जो टेनेंट थे मजदूरों, जो जमींदारों द्वारा मजदूरों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध, ठीक है, जो जमींदार थे उनकी ज़मीन पर जो काम करते थे उन पर जो अत्याचार किया गया उनके विरुद्ध में चलाया गया था आंदोलन बाई टीपू शाह, सॉन ऑफ करम शाह। बात करते हैं कोल विद्रोह की, जो 1831 और 32 के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ, इन छोटे नागपुर क्षेत्र में। लीडर कौन थे, बुद्धू या बुद्धू भगत। नेक्स्ट देखते हैं संताल विद्रोह। संताल विद्रोह 1855 से और 56-57 के मध्य हुआ था। इसको आदिवासी विद्रोह भी बोलते हैं। मूलतः शुरुआत दमने को भागलपुर के राजमहल, ठीक है, बीच के क्षेत्र से हुआ था फॉर इकोनॉमिक रीजन। लीडर कौन थे, शीदो, कानू, चांद, भैरव, चारों भाई थे। 1855 में संतालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में भगत सिंह तत्लू में विद्रोह, ठीक है, और मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने की सेना भेजी गई थी, जो कि संथालों से पराजित हो गई थी। और भील विद्रोह की बात करें तो बाजीराव सेकंड व उनके साथ जो भी लोग थे उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, और प्रोत्साहित किया गया था। विद्रोह का कारण था कृषि संबंधी कष्ट या नई सरकार का भय। 1825 में शिवराम के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, आंध्र प्रदेश के। देखिए यहाँ इसलिए नहीं लिखा हूँ कि ये कुछ कुछ विद्रोह चलते रहे रुकते गए, जो बहुत लंबा चला, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, वेस्ट टेन्योर याद कर लीजिए, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में, ठीक है, साहूकारों के शोषण व वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। फिर आया लाउडिया आंदोलन, इसका पूछा था घटनाचक्र का ही है, तो जो उसमें लिखा है जो जरूरी है वही लिखा गया। लीडर गोविंद गुरु थे। मुंडा विद्रोह की बात करें तो, ठीक है, आल्सो कार्टेस उलुगन
उल गुलान, ठीक है, महान हलचल। टाइम पीरियड कौन था, 1895 से 1900 के बीच में हुआ। फिर आए बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा अदर नेम इनका जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है, एक ईश्वर संघ बांगा की पूजा करने को कहा, ठीक है, ईश्वर संघ बांगा की पूजा करने को कहा। 9 जून 1900 को जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। हौज हो विद्रोह से हौज या फिर हो विद्रोह भी हम लोग जानते हैं, 1820 से 1821 के बीच चालू हुआ, बिहार के कहाँ से, संथाल परगना से। खैरवार आदि से आंदोलन, इसमें लीडर कौन थे, तो भागीरथी मांझी जी थे। मोबला विद्रोह की बात करें 1921 में, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। कौन सा, मोबला विद्रोह केरल में किया गया था जमींदारों के शोषण के खिलाफ, ठीक है। अगला बात करते हैं अहोम विद्रोह जो 1828 में हुआ था, लीडर कौन थे, गोमधर कुंवर। देखिए मैं ज़्यादा सबके बारे में याद बता दूंगा तो याद नहीं रहेगा, जो घटनाचक्र में था, जो PYQ आया हुआ था वही लिखा गया है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ मैं। नहीं बताने तो एक एक पेज बता दो, कोई मतलब नहीं है, याद रहे उतना एग्जाम में काम आ जाए वही बहुत है। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, ठीक है, आदिवासियों के मध्य प्रारंभ, छोटा नागपुर में, नेतृत्व करता थे तारा भगत, बलराम भगत और देवनिया भगत, ठीक है। जनजातीय नेता जादो नांग जाडवांग जिसे बोलते हैं, जाडवांग भी बोलते थे, मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता के महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत संबंधित थे, ठीक है। फिर देखते हैं अगले वीडियो में, हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।